जी तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये मैं आज आपको दिखा रहा हूँ ICMA पाकिस्तान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है शहजाद अहमद मलिक साहब, उनकी तरफ से दिए गए सुबह के नाश्ते की तकरीब है। और मैं लिए चलता हूँ आपको सारे जो है ना व्लॉग आज का दिखाता हूँ और आप देखिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है। मेरा ख्याल आवाज नहीं आती तो इसीलिए हमने फिर रिक्वेस्ट की प्रोफेसर साहब से तो माइक वगैरह ले आए। तो इसमें सबसे पहले मैं सारों को वेलकम करता हूँ, हमीदा भी आ गई है। तो इमरान साहब एक दो चेयर लड़के की गए इधर लगा दें, सुबह वगैरह अंदर गई हैं वो भी आ रही। तो बहरहाल जी, आपकी विद प्रेयर्स एंड विशेज अल्लाह ताला ने दोबारा मुझे ICMA को सर्व करने का मौका दिया एज ए प्रेजिडेंट, और मैं आप सारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पे ये सारी टीम जो है वेरी क्लोज, आज टीम को हमने इस पे इनवाइट किया था। और वैसे तो इवेंट्स हम ICMA में करते रहते हैं, तो हमने कहा ये ज़रा हम उससे हटकर एक नाश्ते का इवेंट करते हैं, और कुछ दोस्तों के क्वेश्चंस भी थे, हमने कहा उसको भी एड्रेस कर लेंगे कि जी ये इतनी ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे आए। तो वो मैं बात कर रहा था कि इस दफ़ा एक्चुअली 3-4 कैंडिडेट्स आ गए कि जी कोई प्रेसिडेंट के लिए, कोई वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो वो कैंडिडेट इतने ज़्यादा हो गए थे तो वो फिर क्वेश्चन राइज हो गया कि जी अब किसको चांस दें और किसको ना दें। तो उस पर जैसे अत्तर साहब जानते हैं, कुछ चीज़ें हमने पहले बिफोर इलेक्शन डिसाइड की हुई थी कि जी मैं अपना टेन्योर पूरा करूँगा और फिर उसके बाद हम कराची के साथ स्पेशली हम चलेंगे इस साल और इस टेन्योर में, और फिर नेक्स्ट में लाहौर का इंशाल्लाह जीतेंगे तो अगले 3 साल। लेकिन फिर कुछ लोगों का भी उसका नहीं, एक एक साल कर लें और उसमें लाहौर को भी चांस है। तो उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई, और उसके बाद फिर बीच में कुछ गवर्नमेंट नॉमिनीस को भी हमने, क्योंकि 12 कौंसिल मेंबर होते हैं, 4 आपको बताया गवर्नमेंट नॉमिनी, SECP के कमिश्नर, डिप्टी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, या इससे आगे पीछे एक दो मंथ में वो भी फाइनल हो जाए। तो इस तरीके से भी हमारी कोशिश है कि हर एंगल से सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम कर रहे हैं, हमने अपना सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिए हैं, और उसके साथ साथ जो अपने सिलेबस है उसको भी इम्प्रूव कर दिया, उसमें भी फिनटेक और IT AI इन चीज़ों को ऐड कर दिया, और उसके 2 एग्ज़ाम हो भी चुके हैं ग्रेजुएट के, केस स्टडीज़ को भी ऐड कर रहे हैं और वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो इन जो भी इस वक्त बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको लेके चल। तो मैं अब ज़्यादा बहुत लंबी स्पीच आज मौका नहीं है, लेकिन फिर भी बात करनी पड़ेगी। विद दीज वर्ड्स थैंक यू वेरी मच। माइक लेने के लिए मुफ्तीशर साहब आ गए। थैंक यू, आपने ज़्यादा ख्याल किया। कल हमारे डायरेक्टर हैं जी नॉर्थ रीजन के काजी अब्दुल हफीज़ साहब, उनकी वालदा की डेथ हुई कल रात को, उनका जनाजा था। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है एक इदारे के लिए या सोसाइटी के लिए, तो इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि आप हर लेवल के ऊपर आप इसको खुद नहीं, तो अब दावत देते हैं जी आप नाश्ता जो है शुरू करें, तो बाकी जो मेम्बर्स हैं सारे ख्याल करने चाहिए, ओपन हम माइक जो है आखिर में इंशाल्लाह ओपन करेंगे। थैंक यू जी, आइए शुरू करें ये मौसम में आप लोग। पहला वाला निकल जाए ना रश, मेरी कोई गल नहीं। मेरा ख्याल है मैं बस अभी वेलकम कर दी हूँ।
मिस तायरा, ये आने वाले वक्तों में हमारी तरफ से इंशाल्लाह ताला कैंडिडेट होंगी ब्रांच काउंसिल के लिए या नेशनल काउंसिल के लिए। मलिक साहब के लिए मेरी स्पोर्ट दिल जान हाजिर है। मलिक साहब ने जितने फैसले नेशनल काउंसिल में बैठ के किए हैं उसमें मेरी राय शामिल हो या ना हो, जब मलिक साहब ने कर दिए तो कर दिए, इसमें मेरा दिल बाग बाग है और मैं खुश हूँ। मलिक साहब के साथ हमारी स्पोर्ट ऐसे नहीं है कि मलिक साहब को क्यों आपने फैसला गलत किया, मलिक साहब फैसला करके आपने हमेशा ठीक किया, खुद दोबारा कर लिया। क्या जमीन साहब जी, आप चाहते हैं कि नाश्ते चलते रहे, नाश्ते बंद ना हो, ठीक है, गारंटी नाश्ते हैं। देखिए सारे लोगों को मैं एक दफा फिर ये बावन करवाना चाहता हूँ, हमारा मकसद मलिक साहब की प्रेसिडेंटशिप था, एट एनी कॉस्ट मलिक साहब को हराने के लिए 7 नेशनल काउंसिल के वोट इकट्ठे हो गए हुए थे। और मैंने मलिक साहब को, मलिक साहब कितने दिन पहले मैंने आपको बताया, मैंने 20 दिन पहले नेशनल काउंसिल के इलेक्शन से मैंने मलिक साहब को पूरी काउंटिंग बताई, नेशनल में ये काउंटिंग हुई है, उसी दिन मलिक साहब ने वो अपनी वर्किंग कम्प्लीट कर चुके थे। और मलिक साहब का जीतना 99.99% मलिक साहब नहीं जीत सकते थे नेशनल काउंसिल का इलेक्शन। अगर मलिक साहब ने जीता तो आप सब लोगों को नहीं बताइए कितना मुश्किल इलेक्शन था जो मलिक साहब जीता। कंग्रेचुलेशन मलिक साहब, और ये खुशी का मौका हम साथ रहा हूँ इंशाल्लाह। इसमें असल जब दो ग्रुप बन गए ना, जो फयाज साहब ने बात की है ऐसा ही था, और कहा जी हमारी 12 में से 5 वोटें पूरी है और इस दफा आपको हमने नहीं बनने देना। तो मैंने जाते हुए कहा, मैंने कहा मेरे भी नंबर पूरे हैं और इस दफा मैंने ही बनना है, तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। और उस पर जब फिर बाद में कुदरती बीच में कराची के लोग, मनीषी के एक थे और दुबई से आए हुए थे, वो 3-4 लोगों ने बैठ के कहा कि नहीं यार एक ही ग्रुप में म्यूचुअल डिसीजन करें। ये फिर जो डिसीजन हुआ है इस पर, चाहे मरियम आई है, जो लाहौर से यासीन आए हैं, इस्लामाबाद से मैं और काजी आए हैं, ये म्यूचुअल डिसीजन था, ये वहाँ पे बैठ के। हाँ जल्दी में था, 2 घंटे के अंदर हुआ, 3:30 हम उधर होटल पर बैठे थे और 6 बजे मीटिंग थी, तो उस वक्त ये डिसीजन हमें लेना पड़ा और उस पर फिर हमने ये इस तरह हमने किया। अदरवाइज ये है कि 2 ग्रुप बन गए थे, ख़ास तौर पे लाहौर से जो, वो इस वक्त बहुत डेड अगेंस्ट थे और इसलिए उनको थोड़ा सा पकड़ने के लिए ये ज़रूरी था कि मैं फिर अपने नंबर पूरे करके गया, और जब उनको पता लग गया तो फिर वो इस पर आगे के लिए अब म्यूचुअल कर, जो उनको हमने अल्लाह का शुक्र है गर्दन से पकड़ गए, एक्सेप्ट किया, थैंक यू। इसका मतलब है जी इस्लामाबाद यूनाइटेड है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, आप आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो मलिक साहब ने बताया उसके लिए तैयार हैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, आपको बड़ा अच्छा लाइक पे बात करने का और एंड दे आर टेकिंग योर टाइम, यू पीपल ऑलवेज हमेशा आप टाइम लेते हैं दूसरे जो नए लोग आ जाए। अच्छा सबसे पहले तो मलिक साहब, शहजाद साहब, थैंक यू फॉर द डेली ब्रेकफास्ट और ब्रंच, ठीक है सर। सर लेट मी फिनिश। दूसरी बात यह है कि जी आपको बहुत मुबारक हो, वट एवर द सर्कमस्टांसेस वॉज आप प्रेजिडेंट इलेक्ट हुए और इस्लामाबाद के लिए मैं समझता हूँ कि वी आर वेरी प्राउड के जी यहाँ का पर्सन जो है एज अ प्रेजिडेंट नॉमिनेट हुआ और इलेक्ट हुआ। एक हम नॉर्मल रूटीन में चीज़ें डिस्कस करते हैं, एक